देखिए, जो पुलिस का व्यवहार है और प्रशासन का व्यवहार है वो ठीक नहीं है। ये फेस भारतीय जनता पार्टी को सफाया कर देगा। आप देखिए क्या हालत है, क्यों मारपीट हो रही है। देखिए पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कहां की तस्वीरें, ये संभल की है। और यहाँ मैनपुरी का हमारे पास खबर आ रही है कि जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं उन्हें बंद कर रहा है प्रशासन। जो मंत्री हैं उनके जो सहयोगी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर ये होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बाहर आए, वोट डालें, हिम्मत और बहादुरी के साथ मुकाबला करें और वोट डालें। कितनी जगहों से मारपीट खबरें आ रही हैं, मारपीट क्या बता रहे हैं, कितनी जगहों से? अगर हम कुल मिलाएंगे तो सबसे ज्यादा किसनी में, अभी जो सूचना मिली है, चेयरमैन हमारा करहेल का है उसको बैठा लिया। किसनी में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि बेटा घूम रहा है, कोई कह रहा है कोई घूम रहा है। मैंने SSP से बात की है तो SSP कह रहे कि रोक देंगे। और जो वहां का किसनी का कोतवाल है वो हमारे किसी BJP के नेता का रिश्तेदार है। तो आप सोचिए, अगर लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए ये करेंगे तो जनता क्या करे। आपने चुनाव आयोग से शिकायत की अखिलेश जी, इस बात की जो गंभीर मामला जो आप, मैं आपके माध्यम से और हर स्तर पर शिकायत हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेगा, जो ऑब्जर्वर है वो कार्रवाई करेंगे। लोकतंत्र तभी तो सुरक्षित रहेगा जब वोट डालने का अधिकार और वोट डालने का मौका मिले। हम मौके पे कई हर बार ये कहा गया कि लोकतंत्र खतरे में है, आपके एक वोट के अधिकार को भी छीन लेगी। अगर ये पुलिस को आगे कर देंगे तो आपका अधिकार कहाँ बचा वोट डालने का। जयवीर सिंह कह रहे हैं कि जब जहां आप विजिट कर रहे हैं उनके मंदिर साफ किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और फ्रस्ट्रेट इसलिए कि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। इतने दिनों से जब से कुर्सी पे बैठे हैं केवल झूठ बोलते हैं, इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर के ये अपने कार्यकर्ता नेताओं से इस तरह का व्यवहार करवा रहे हैं। ये चाहते हैं रिएक्ट करें हम लोग, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चतुर हैं। चतुराई से जो बुनियादी सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का, और जिस तरीके से अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है उससे हट जाए हम लोग, लेकिन आरक्षण, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों से हम समाजवादी लोग हटने वाले नहीं है। वो कितनी भी चतुराई दिखाएं, अंतर्गत हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। अखिलेश जी, जयवीर सिंह हमसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं, जो गुंडई कर ले मैं सब गुंडई को रोक दूंगा, और ये लोग इस तरह से मतदान करवाते हैं गुंडई करके, ये आरोप लगा रहे हैं वो। मैं इसमें क्या कहूंगा, अरे कोई व्यक्ति खुद ही गुंडे की भाषा इस्तेमाल करता हो, जो भी सुना होगा आपके माध्यम से, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सच बोलेंगे गुंडा कौन है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये तो बताओगे कि गुंडा कौन है। सरकार में रहकर के जो लोग गुंडे कर रहे हैं वो असली गुंडे हैं क्या? विपक्ष के लोग जो केवल अपने अधिकार को, वोट डालने के अधिकार को पूरा डालना चाहते हैं वोट, तो चुनाव आयोग के रहते हुए सब गुंडे ही चल रही है, आप ये कह रहे? हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन, ये जो आपसे बातचीत हुई है मंत्री जी की या BJP के नेताओं की, उनके कान आंख तक पहुंचे होगी, शायद वो न्याय दिलाएं। ये बातें जो उन्होंने कही आपत्तिजनक हैं, आपको लगता है ये भाषा की जो आप बात कर रहे हैं और जो आरोप वो लगा रहे हैं? अरे BJP के एक नेता की भाषा खराब नहीं, न जाने कितने नेताओं की कैसी भाषा है और व्यवहार कैसा है। भाषा और व्यवहार आप सब जानते हो। अगर मैं तुम्हें छू लूं तो तुम्हें नहाना पड़ेगा। मैं तो नहा के आया हूँ और मोता फिर छू लिया मैंने, नहीं तो भी नहीं नहाऊंगा मैं। नहीं नहाओगे तो तुम समाजवादी हो। ये मुद्दे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो किसानों की आय दो नहीं कर पाए और 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। काले कानून लाए थे, 1000 किसान शहीद हो गया। यहाँ पे थार चढ़ाई, इतनी परीक्षाएं के पेपर लीक हो गए, उनका जवाब नहीं है ना। नौजवान खड़ा हुआ वोट डाला है सरकार के खिलाफ। आप बताइए, इस सरकार ने तीसरे फेज का चुनाव हो चुका है, क्या पेपर लीक के बारे में कुछ कहा है या नौजवानों को नौकरी रोजगार देने की बात कही? तो इसलिए जानबूझकर वो ध्यान हटाना चाहते। देखिए राहुल गांधी के साथ संभल में सूचनाएं मिल रही है कि जो समाजवादी पार्टी के बूथ जो अच्छे हैं वहां पर पुलिस तांडव कर रही है, अन्याय कर रही है, प्रशासन अन्याय करा रहा है। इसी तरह किसनी से शिकायतें आ रही हैं, आपके करहल से शिकायतें आ रही थी, और मैनपुरी की तैयारी है शहर में
कि बूथ लूटे जाएंगे। बूथ लूटने की तैयारी आप ये कह रहे हैं? बीजेपी के लोगों ने पिछले चुनाव में भी बूथ लूटा थे, तब भी बुरा हारे थे, ये फिर बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी अपना 4-5 बजे के बाद मैनपुरी पहुंच जाना, बीजेपी के लोग बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन है इस बात की, मतलब आपके पास? वो पिछली बार भी उनका व्यवहार ऐसा था। सोचिए, पिछली बार भी जिनका व्यवहार ऐसा ही हो, वो इस बार भी वही व्यवहार करेंगे।